पिता की जान चली गई, आपके मां की जान चली गई, आपके भाई की जान चली गई, जब आप उसकी लाश लेकर भैंसा कुंड के सौदाह गृह में आते हैं तो वहां घंटों घंटे लाश जलाने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। यह है उत्तर प्रदेश की दुखदायी तस्वीर। कोरोना की जांच के लिए लाइनें, बेड पाने के लिए लाइनें, और अगर जीवन चला जाए तो लाश जलाने के लिए लाइनें। और इस बदहाली से निपटने के लिए आदरणीय आदित्यनाथ जी की सरकार क्या कर रही है? आदित्यनाथ जी की सरकार में कितनी गंभीरता है, मैं दो तीन चीजों से आपको बताना चाहूंगा। आदित्यनाथ जी की सरकार, जब आप कोरोना की बीमारी से करा रहे हैं तो वो क्या कर रही है, ये देखिए आप। ये एक व्यक्ति हैं अमित मिश्रा, ये बाकायदा नाम लिख रहे हैं कि इनके फोन नंबर पर फर्जी जांच की गई। ये कपिल जी हैं, ये अपना पूरा डिटेल लिखकर डाल रहे हैं कि मेरी पत्नी तो सितंबर 2020 में पॉजिटिव आई, तो फिर मेरे पत्नी के नाम पर निगेटिव रिपोर्ट कैसे आ गई। ये सबसे बड़ा मामला, सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा, सबसे बड़ा खुलासा यह है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आदित्यनाथ जी की सरकार इस कोरोना की महामारी से किस तरीके से खिलवाड़ कर रही है, आपकी जिंदगी से किस तरीके से खिलवाड़ कर रही है। 7,343 मामले फर्जी जांच कर दिए गए, एक ही नंबर पर 7,343 लोगों की जांच कर दी गई और उनकी सबकी रिपोर्ट निगेटिव दे दी गई। इसका मतलब लोगों की जांच नहीं हो रही है और रिपोर्ट निगेटिव दिखा दी जा रही है। और ये आपकी बिरादरी के एक व्यक्ति हैं, पुनीत जी, ये पत्रकार हैं, इनके फोन नंबर पर एक निगेटिव जांच रिपोर्ट आ गई। इन्होंने कहा भाई मैंने तो अपनी कोरोना की जांच ही नहीं कराई, फिर रिपोर्ट कैसे निगेटिव आ गई। इसका मतलब कोरोना की महामारी के साथ आदित्यनाथ जी की सरकार आपराधिक लापरवाही कर रही है। इनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि आज लोगों की जिंदगी के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। आप कोरोना के आंकड़े निगेटिव दिखाने के लिए फर्जी नंबर पे जांच कर दे रहे हैं, जो लोग पॉजिटिव हो चुके हैं उनको निगेटिव दिखा दे रहे हैं, जो है ही नहीं दुनिया में उनके नाम पर निगेटिव रिपोर्ट बना दे रहे हैं। बेड का इंतजाम नहीं, आपने कहा 2000 वेंटिलेटर का इंतजाम कर रहे हैं, आईसीयू बेड का इंतजाम कर रहे हैं, कहां 2000 बेड आपकी, कहां पर है 2000 बेड, कहां पर है वेंटिलेटर का इंतजाम, कहां पर है ऑक्सीजन का इंतजाम। आप दिखाइए आदित्यनाथ जी, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करके लोगों को गुमराह करना, लोगों को भटकाना, ये किस प्रकार का आपका कि आपकी सरकार चल रही है। और आप सब कुछ छोड़ दीजिए, मैं अब आपको लखनऊ की हकीकत दिखाता हूं, किसी और की बात मत मानिए आप, यहां के डीएम की आवाज सुनिए आप, यहां के जिला अधिकारी महोदय क्या कह रहे हैं उसको जरा ध्यान से गंभीरता से आप मेरी बात नहीं मानिए, आप किसी की बात मत मानिए, आप यहां के जिला अधिकारी की बात मानिए। आइसोलेशन में डालिए, जहाँ भी डालना चाहिए मेडिकल प्रोटोकॉल के अंदर, वो आप ज्यादा एक्सपर्ट हैं, ठीक ना। इनको क्या क्या और चाहिए, इनको क्योंकि लोग अब रोडों पर मर रहे हैं, लोग अब रोडों पर मर रहे हैं, सुना आपने, लोग अब रोडों पर मर रहे हैं। ये संजय सिंह नहीं कह रहे, ये किसी विपक्षी पार्टी का नेता नहीं कर रहा है, आदित्यनाथ सरकार जी के लखनऊ के जिला अधिकारी महोदय अभिषेक प्रकाश जी वो कह रहे हैं कि लोग अब रोडों पे मर रहे हैं, सड़कों पर लोग मर रहे हैं। ये जिला अधिकारी का बयान है, उनके मुंह से सच निकल गया। और लोग सड़कों पर मर रहे हैं, सरकार की प्राथमिकता क्या है, आदित्यनाथ जी की प्राथमिकता क्या है? झूठी रिपोर्ट बनाओ, झूठे आंकड़े निकालो, बेड का इंतजाम मत करो, आईसीयू बनाने के बड़े बड़े दावे कर दो,
आईएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं दीपक त्रिवेदी जी, 8 घंटे उनको बेड मिलने में लग गया, 1500 वेंटिलेटर का इंतजाम, 2000 आईसीयू का इंतजाम, ये कहां पर है? आप दिखाइए और बताइए। जब मीडिया में हल्ला मचा, चारों तरफ जब इसको लेके बवाल खड़ा हुआ, तो अभी पता चल रहा है कि 80 प्लेटफॉर्म नए बनाए जा रहे हैं सिर्फ लाशें जलाने के लिए। मैं आज बड़ी विनम्रता पूर्वक आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, आदित्यनाथ जी आपकी प्राथमिकता क्या थी? जब उत्तर प्रदेश में कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे, जब उत्तर प्रदेश में लोगों की जांचें नहीं हो रही थी कोरोना की, जब इसकी शुरुआत हुई कि दोबारा महामारी प्रवेश कर चुकी है उत्तर प्रदेश में, लखनऊ कराह रहा है इस बीमारी से, लोगों की जान जा रही है इस बीमारी से, उस समय आपकी प्राथमिकता क्या थी? आप उत्तर प्रदेश में रहते और इस कोरोना के संक्रमण से लड़ने का इंतजाम करते, लोगों के लिए बेड का इंतजाम करते, ऑक्सीजन का इंतजाम करते, वेंटिलेटर का इंतजाम करते, लेकिन आपने क्या किया? फर्जी रिपोर्टें बनवाई, कोरोना के संक्रमण को मजाक बना के रख दिया, लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया और खुद चले गए आप बंगाल प्रचार करने के लिए। आपकी प्राथमिकता चुनाव है, लोगों की लाशें बिछी रही हैं, आपको दर्द नहीं होता, 100 जलाने के लिए कतारें लगी रही, आपको दर्द नहीं होता, आपको आदित्यनाथ जी सिर्फ और सिर्फ चुनाव की चिंता है। ये चुनाव की चिंता छोड़कर उत्तर प्रदेश की चिंता कीजिए। बहुत बंगाल घूम लिए आप, बहुत चुनाव प्रचार कर लिया आपने, अब जिन लोगों ने 325 सीटें आपको दी है, थोड़ी चिंता उनकी भी कर लीजिए। और ये बदइंतमा इंतजामी का जो हाल आलम है लखनऊ के अंदर और पूरे उत्तर प्रदेश में, मैं मांग करता हूं कि तत्काल केंद्र की सरकार हस्तक्षेप करे, महामहिम राज्यपाल जी हस्तक्षेप करें, यहां कोरोना के नाम पर लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता, हस्तक्षेप कीजिए। और जिन लोगों ने फर्जी रिपोर्ट बनाई है, एक नंबर पर 7343 रिपोर्ट, जिन लोगों की जांच हुई नहीं उनके नंबर पर निगेटिव रिपोर्ट, जिन पत्रकारों की जांच नहीं हुई उनकी निगेटिव रिपोर्ट, ये जो फर्जीवाड़ा पूरे उत्तर प्रदेश में कोरोना के नाम पर हो रहा है, ये जो भूतों की जांच उत्तर प्रदेश में की जा रही है कोरोना के नाम पर, इस पर हस्तक्षेप करना चाहिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, और इस सरकार के खिलाफ महामहिम राज्यपाल को एक रिपोर्ट भेजनी चाहिए केंद्र सरकार को कि आज ये हालत हो गई है उत्तर प्रदेश में कोरोना की, ये हालत हो गई है। तो मैं जल्द ही महामहिम राज्यपाल जी से भी समय मांग रहा हूं कि अगर वो समय दें तो हम इनको पूरी डिटेल और ये जो हालत है उनको अवगत भी कराएंगे इस पूरे मामले से। आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। सरकारी अस्पतालों में जगह नहीं है, लोग प्राइवेट अस्पतालों की तरफ रुख कर रहे हैं, लेकिन वहां के अस्पतालों द्वारा मनमानी तरीके से धन उगाही करी जा रही है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सारी चीजों को नियंत्रित करने का अधिकार महामारी के समय में राज्य सरकार के पास होता है। महामारी के समय में, किसी भी आपदा के समय में, होटल लेने का, बैंक्वेट लेने का, उसको हॉस्पिटल में कन्वर्ट करने का, सरकारी हॉस्पिटल हो, प्राइवेट नर्सिंग होम हो, उनके अंदर आदेश जारी करके उनके बेड्स अपने अधीन लेने का सारा अधिकार राज्य सरकार के पास होता है। और जैसा आपने कहा, अनाप शनाप जो पैसा वसूला जा रहा है कोरोना के मरीजों की मजबूरी का फायदा उठाकर, उसको भी कंट्रोल करने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। राज्य की सरकार एक निश्चित गाइडलाइन जारी करे और उसमें स्पष्ट करे कि इस चीज का इतने से ज्यादा पैसा किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं लिया जाएगा, तो मरीज को पता होगा अपने आप। आज क्या हुआ, एक मरीज की तबीयत अचानक खराब हुई और वो ना तो सीएमओ साहब का फोन उठता है, ना इनका हेल्पलाइन का कोई नंबर उठता है। रात में हमारे पार्टी के प्रवक्ता ने ट्वीट किया प्रिंस जी ने, तो फिर पता चला कि जिलाधिकारी महोदय
ने उसमें हस्तक्षेप करके बड़ी मुश्किल से उनका कुछ इंतजाम किया, ऐसा उन्होंने जवाब दिया। तो आप मुझे बताइए कि कितने लोग यहाँ पर इस तरीके से दबाव बना के या ट्विटर पे जाके या फेसबुक पे जाके कितने लोगों का बेड का इंतजाम हो सकता है, और समय रहते आपने क्यों नहीं किया ये इंतजाम, जब आपको पता चल गया था कि ये महामारी पूरे देश में बढ़ रही है और उत्तर प्रदेश में भी बहुत जोरों के साथ बढ़ रही है। अब आप देखिए दिल्ली में इतनी टेस्टिंग के बाद भी 10,000 केसेस आए, जबकि हम बहुत ज़्यादा टेस्टिंग करते हैं वहाँ पे। और लखनऊ जो आबादी की दृष्टि से 1/7 है, 1/6 1/7 है दिल्ली का, वहाँ पे 4,444 केस निकले, तो इसका मतलब संक्रमण बहुत तेजी के साथ लखनऊ में फैल रहा है। और इस भयावहता से हम पूरी तरीके से अपना मुंह मोड़ लिए हुए हैं, मुख्यमंत्री जी को कोई चिंता ही नहीं है। नर्सिंग होम में शोषण हो रहा है लोगों का, होता रहे, बेड नहीं मिल रहा है ना मिले, पैसे जिसके पास होंगे वो थोड़ा बहुत इलाज करा पाएगा, नहीं होंगे तो मर जाए। कल बता रहे हैं कि यहां पर भैंसाकुंड शमशान पे 100 लाशें जलाने के लिए लाइन लगी रही, 100 लाशों को जलाने के लिए लाइन लगी रही, मतलब निषादगंज के फ्लाईओवर तक एम्बुलेंस की लाइन लगी हुई है, यह हालत है। तो प्राइवेट नर्सिंग होम पर सीधे एक गाइडलाइन जारी करे सरकार, इतने से ज्यादा आप किसी भी चीज का पैसा नहीं ले सकते। जांच में जिस तरीके से आपने बताया खिलवाड़ हो रहा है, उस तरीके से क्या जो शव के आंकड़े जारी कर रही उत्तर प्रदेश सरकार, उसमें भी किस तरीके से कुछ देखिए, आप ही लोगों ने खबर दी थी कि इन्होंने 22 या 23 मृत्यु दिखाई थी कोरोना से, लेकिन वो 67 के करीब उसके आंकड़े थे। तो मौत के आंकड़ों में भी हेरा फेरी कर रही है सरकार, जो कोरोना से मौत हो रही है उसको किसी दूसरी बीमारी में दिखा दे रहे हैं, सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। तो आप अपनी जान बचाने के लिए दूसरों की जान ले रहे हैं, मतलब आप ये सोचिए कि एक फोन नंबर पर 7,343 लोगों की जांच निगेटिव आ जाए, ऐसा फर्जीवाड़ा तो पूरे दुनिया में कहीं आपने नहीं सुना होगा। तो कोरोना की महामारी में जहां पूरा विश्व कोरोना से लड़ाई लड़ रहा है, वहीं आदित्यनाथ जी और उनकी सरकार कोरोना के मामले में फर्जीवाड़ा करने का विश्व रिकॉर्ड बना रहे हैं। केजरीवाल जी ने कहा कि दिल्ली में लॉकडाउन की स्थिति नहीं हो सकती है क्योंकि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और प्रिकॉशंस बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन की स्थिति होने पर कुछ? देखिए, हम लोग पहले से भी इस बात को कहते आ रहे हैं कि लॉकडाउन कोई अंतिम समाधान नहीं है। लॉकडाउन किसी भी समस्या का, खासतौर से कोरोना की महामारी से लड़ने का लॉकडाउन कोई अंतिम समाधान नहीं है। सरकार को अपना इंतजाम और लोगों की जागरूकता, ये दोनों महत्वपूर्ण चीज है। अब सरकार के पास कोई इंतजाम ही नहीं है, मैंने बताया तो आपको, कोरोना का टेस्ट कराने के लिए 8-8 घंटे लाइन लगा रहे हैं लोग, 2-2 दिन तक लाइन लगा रहे हैं। रिपोर्ट 7 दिन बाद मिल गई है, 7 दिन बाद रिपोर्ट आएगी आपकी। तो मतलब मेरा ये कहना है कि भाई आप जांच अपनी करा नहीं सकते, हॉस्पिटल में एडमिशन करा नहीं सकते, और आपकी जान चली जाए तो अपनी लाश जला नहीं सकते, तो कैसे जंगली राज में रह रहे हैं हम लोग? ऐसा जंगली राज जहां इंसान के साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जा रहा है, जहां कोरोना की बीमारी में फर्जीवाड़े का विश्व रिकॉर्ड बनाया जा रहा है, तो ये तो बहुत ही अफसोस की बात है। मैंने सुना था प्रधानमंत्री जी को, उन्होंने टीका उत्सव मनाने की बात की 11 से 14 अप्रैल तक, यानी कल से ये प्रारंभ हुआ है और 14 अप्रैल तक। अब उत्तर प्रदेश में टीका उत्सव कैसे मनाया जाएगा? यहाँ का टीका उत्सव तो फीका उत्सव हो गया है, गाजियाबाद में टीका नहीं, नोएडा में टीका नहीं, कानपुर में टीका नहीं, खुद मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में टीका नहीं, बहुत सारे सेंटर तो बंद हो गए हैं। तो टीका उत्सव तो फीका उत्सव हो गया। यहां पे वाराणसी जो प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है,
वहां पर मुंबई और दिल्ली की तुलना में संक्रमण की दर सबसे ज्यादा है। मतलब कोरोना के संक्रमण के फैलने की दर वाराणसी में मुंबई और दिल्ली से ज्यादा है, ये हकीकत है। अब आप जाइए बंगाल चुनाव प्रचार करने, अच्छा छोड़ दीजिए यूपी के लोगों को मरने के लिए आदित्यनाथ जी। ग्रामीण क्षेत्रों में भी पंचायती चुनाव चल रहे और ऐसे महामारी के दौरान इस विषय पर क्या कहेंगे, क्या आगे? देखिए, चुनाव के लिए दो मापदंड नहीं हो सकता। मतलब जब तक केरल में चुनाव चल रहा था, जब तक तमिलनाडु में चुनाव चल रहा था, वहां आदित्यनाथ जी ने और पूरी पार्टी ने इनके प्रचार किया, जाके हजारों हजारों की रैलियां की, वहां का चुनाव संपन्न हुआ। आसाम में भी रैलियां की, वहां का चुनाव संपन्न हुआ, बंगाल में इनकी रैली जारी है। तो एक तरफ तो आप उत्तर प्रदेश में चुनावों पर आपने तमाम एहतियात बरतने की और उसको चुनाव को बहाना बना के यहाँ पे 144 लगा दी, ये क्यों किया? ये मैं तो बार बार कह रहा हूँ आपको, बंगाल के चुनाव में हजारों की भीड़ होगी और उत्तर प्रदेश के चुनाव में आपने 144 लगा दी, क्यों लगाई? आपने कभी सोचा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को मार मार के जनता दौड़ा रही थी, उनको गांव में घुसने नहीं दे रही थी, उसका इन्होंने नया तरीका निकाला, बोले 144 लगा दो, हमारा कोई कैंडिडेट प्रचार में जा नहीं पा रहा है तो दूसरे भी ना जाने पाए। मगर संक्रमण को लेकर क्या चुनाव चल रहे हैं हर जिले के सीमावर्ती ग्रामीण क्षेत्र में और जिस हिसाब से लखनऊ और अन्य जिलों में, मैं कह रहा हूँ संक्रमण से निपटने के लिए जितने भी जरूरी कदम हैं आप उठाइए, मैं उस पर रोक, मैं तो उसको कह नहीं रहा हूँ कि आप उससे कहीं आप लापरवाही बरतिए, मैं ये तो सवाल नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि चुनाव के लिए दोहरा मापदंड नहीं हो सकता कि बंगाल में दूसरा मापदंड और यूपी में दूसरा मापदंड, एक बात। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि जब आपको यहाँ पर बैठकर इस कोरोना संक्रमण से लड़ने की योजना बनानी थी, आप चुनाव जीतने की योजना बंगाल में बना रहे थे, वहाँ प्रचार में घूम रहे थे, ये एक लापरवाही है प्रदेश की जनता के प्रति। दूसरी बात, कोरोना की जांच ना होना, फर्जी रिपोर्ट तैयार करना, ये क्रिमिनल निग्लिजेंस है, आपराधिक लापरवाही है। एक एक नंबर पे 7,343 जांच हो जाना, जो व्यक्ति जांच कराया नहीं उसकी जांच रिपोर्ट दे देना निगेटिव, तो हॉस्पिटल में बेड का इंतजाम नहीं, ये आपराधिक लापरवाही अपने आप। देखिए, लॉकडाउन आप करेंगे, जितने लोग कोरोना से नहीं मरेंगे उससे ज्यादा लोग भुखमरी से मर जाएंगे, ये भारत की सच्चाई है, जिसे हमें ऐसा हो चुका है पहले, तो उन बातों को, उन तस्वीरों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को इसकी सावधानी कैसे बरतें और इससे लड़ने का होम आइसोलेशन की विधि है, हॉस्पिटल में जो गंभीर मरीज हैं उनके लिए ऑक्सीजन बेड का इंतजाम, उनके लिए वेंटिलेटर का इंतजाम रखना, और इसके अलावा जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, नहीं पैसे हैं उनके पास, स्कूल में कॉलेज में इस समय आपने बंद कर रखा है, होटल है, बैंक्वेट है, इसको सबको लेकर हॉस्पिटल में कन्वर्ट कीजिए, वहाँ पे बेड का इंतजाम कीजिए, ऑक्सीजन बेड बनाइए वहाँ पे, क्या प्रॉब्लम है आपको? इसमें जो सबसे बड़ी समस्या आती है, अचानक ऑक्सीजन लेवल कम होता है और इंसान की जान चली जाती है। अब तो ये सर्वविदित सत्य हो गया है, सबकी जानकारी में है, तो आप उसका इंतजाम कीजिए, हॉस्पिटल को, बैंक्वेट्स को, होटल्स को हॉस्पिटल में कन्वर्ट करके वहाँ पे ऑक्सीजन बेड बनाइए ज़्यादा से ज़्यादा, तो जो गंभीर मरीज हैं उनको वहाँ इलाज दीजिए, जो बाकी होम आइसोलेशन है होम आइसोलेशन कीजिए, छोटे छोटे कैंटोनमेंट एरिया भी आप बना सकते हैं, कैंटोनमेंट के जोन भी बना सकते हैं आप। बहुत भयावह।